उधर से जाओ, उधर से उधर से उधर से उस साइड से उस साइड से बाहर। राम से इधर देखो जी, इधर दर्जी दर्जी पूरे हरियाणा की जनता का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा कि इतिहास रचने का काम किया तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट करना हरियाणा के अंदर इतिहास है। हरियाणा की जनता ने आज इतिहास रचा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी बार रिपीट किया पूर्ण बहुमत से, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और यही कहना चाहूँगा जिन उम्मीदों से और जिन आशाओं से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर तीसरी बार राज करने के लिए भेजा है, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करें। सबसे पहले क्या बड़ा काम जो है ये तीसरी बार की सरकार करने जा रही है? जो देखिए हमारे इलेक्शन जो संकल्प पत्र था उसके अंदर सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर रखी हैं और उस संकल्प पत्र के माध्यम से चलने का काम करेंगे। माने मुख्यमंत्री जी बनते ही बिना पर्ची खर्ची के 25,000 नौकरियां देने का काम करा और नए नए फैसले जो जो उस संकल्प पत्र के अंदर लिखे थे उनको करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो जनता की आशाओं पर खरा उतरने का काम। सर कुछ नेता देखिए वहाँ पर किसी भी तरीके का कहते ना कोई कायदा कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला काम है। और अभी विधानसभा के चुनावों में देख चुके हैं उस दादागिरी का क्या हश्र हुआ, लोगों ने क्या उसका सिला दिया। लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्थित अनुशासित और लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पर है वो पार्टी है और उसका और कांग्रेस का कहीं कोई कंपैरिजन नहीं। अपोजिशन लीडर लोकतांत्रिक मामला है, जो जैसे भी जिस भी तरीके से करें हम इसमें